लियम लिविंगस्टन और जैकब बैथल ने 47 गेंदों पर 90 रन की पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 3 विकेट से जीत दिलाई। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। तीसरा और निर्णायक मैच रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 193 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसका स्कोर एक समय 3 विकेट पर 79 रन था। लियम लिविंगस्टन और बैथल ने यहीं से मोर्चा संभाला। बैथल के 24 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 193 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसका स्कोर एक समय 3 विकेट पर 79 रन था। लियम लिविंगस्टन और बैथल ने यहीं से मोर्चा संभाला। बैथल के 24 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट होने से इंग्लैंड की स्थिति फिर से नाजुक हो गई, लेकिन लियम लिविंगस्टन ने 47 गेंदों में 5 छक्कों के और 6 चौकों की मदद से 87 रन की शानदार पारी खेलकर उसे जीत की दहलीज पर पहुंचाया। जब स्कोर बराबर था तब लियम लिविंगस्टन आउट हो गए। ऐसे में आदिल राशिद ने विजयी रन बनाकर इंग्लैंड का स्कोर 19 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 194 रन तक पहुंचाया। इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने भी 39 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉट ने अपने करियर का टॉप प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर 5 विकेट लिए। लियम लिविंगस्टन में इससे पहले गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 16 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्राइडन कार्स ने 26 रन देकर 2 विकेट हासिल करके उनका अच्छा सहयोग दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श बीमार होने के कारण मैच में नहीं खेल पाए। उनकी जगह ट्रेविस हेड ने कैप्टनसी की जिम्मेदारी संभाली। ट्रेविस हेड ने 14 गेंदों पर 31 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। इसके बाद जैक फ्रेजर मैकगर ने 50 रन बनाए, जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला हाफ सेंचुरी भी थी। इन दोनों के अलावा मैथ्यू शॉट ने 28 और जॉश इंग्लिश ने 42 रन का योगदान किया। ओवरऑल यहां पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये सीरीज चल रही है ये बराबर हो चुकी है, 1-1 के बराबरी है। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीती और अब अगला मैच डिसाइडिंग मैच होगा कि सीरीज कौन जीतेगा। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर पाएगी या फिर इंग्लैंड मारेगी बाजी। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।